नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्टडी करेंगे, जो लाइट रिएक्शन का एक पार्ट है। लाइट रिएक्शन में है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अपने को डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मतलब ATP जो डार्क रिएक्शन में अपने को काम आएगा, जैसे कि ATP, NADPH2, ये सारे यहाँ से मिलेंगे। ऐसा एक प्रोडक्ट जो लाइट रिएक्शन का है लेकिन डार्क रिएक्शन में काम नहीं आता, उसका नाम है ऑक्सीजन, O2, ठीक है, याद कर लेना। उसके बाद आते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है एग्जैक्टली, मतलब फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब क्या, फोटो मतलब लाइट, लाइट की हेल्प करके ATP बनाना, उसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइट क्या होगा इसका, साइट हो जाएगा इसका ग्रैना, मतलब क्या, थैलाकोइड, ठीक है। इसको बोलते हैं, और एक नाम है इसका Z-स्कीम, क्या नाम है, Z-स्कीम, या इसको दिया था हिल एंड बेंडल ने, तो इसको अपन हिल एंड बेंडल स्कीम भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद अपन स्टडी करेंगे कैसे होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब क्या होगा, लाइट आएगी, गिरेगी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, किसका, फोटोसिस्टम 2, दो फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, और एक होता है जो अलग से रहते हैं, मतलब P890 भी रहता है एक, जो बैक्टीरिया में मिलता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ये रहते हैं फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 जो रहता है उसका जो एक्टिवेशन जो वेवलेंथ रहता है वो रहता है 680 नैनोमीटर, मतलब अगर 680 नैनोमीटर के ऊपर का लाइट गिर गया, लाइट आया, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर दे देगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा फोटोसिस्टम 2 से, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से, मिलेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है यहाँ पे, उसका नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन नाम है फियोफाइटिन, ये नाम है उसका, फियोफाइटिन। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फियोफाइटिन था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्विनोन में, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो एनसीईआरटी में दिया है स्टेटमेंट की, इट इज अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड साइटोक्रोम्स। फिर प्लास्टोक्विनोन से जाएगा साइटोक्रोम B6, वहाँ से जाएगा साइटोक्रोम FPC। PC क्या है, प्लास्टोसाइनिन, याद कर लो सीक्वेंस, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, PQ B6 FPC, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को समझ में आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या है, यह अपन समझ में आता है अपने को ये केमी ओस्मोसिस में, कहाँ पे, केमी ओस्मोसिस, जहाँ पे बताते हैं अपने को कि कैसे ATP बनता है एग्जैक्टली, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बना ATP, ये समझेगा कहाँ पे, केमी ओस्मोसिस, जो अपन आगे देखेंगे, केमी ओस्मोसिस में समझेगा कि कैसे अपन ग्रेडियंट तैयार करेंगे, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, हाइड्रोजन पास करेंगे, तब जाके एनर्जी बनता है, तो ATP बन जाता है यहाँ पे। फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाएगा PS1 को, अब PS1 का क्या है वेवलेंथ, वो रहता है 700 नैनोमीटर, कितना, 700 नैनोमीटर। अब आप दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि PS2 PS1 का नाम किसे पड़ा, तो एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन भी है कि PS1 जो है वो पहले डिस्कवर हुआ, इसलिए उसका नाम PS1 है, और PS2 आपने डिस्कवर हुआ इसलिए PS2 है, सिंपल। फिर उसके बाद लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो PS1 का है, उस पर इलेक्ट्रॉन, उस पर मतलब उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, अभी उसका इलेक्ट्रॉन जाके एक्साइट हो गया, अब वो कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो, वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, NADP+ ने वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लिया। NADP+ क्या है, ऐसा एक सब्सट्रेट है NADP+ जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, NADP+ इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट जाएगा NADPH2, एक हाइड्रोजन ले लेगा, NADPH2 का दूसरा नाम है NADPH+H+। NADPH2 का काम क्या है, NADPH2 हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट है, क्या है, हाई एनर्जी, मतलब उसका एनर्जी हाई है, ऐसा केमिकल इंटरमीडिएट है NADPH2। NADPH2 जो है वो आगे जाकर डार्क रिएक्शन में सुक्रोज बनाने में, ग्लूकोज बनाने में काम आएगा, तो यहाँ पे बन गया NADPH2 बन गया, ATP बन गया, ये इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे आया पहले, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ऊपर इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो इलेक्ट्रॉन तो लॉस्ट हो गया, तो इसके पास क्या दुकान थोड़ी खोल कर रखा है उसने इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं उसके पास, तो उसको इलेक्ट्रॉन का पहले कुछ अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो बंदोबस्त नहीं किया तो वो मर जाएगा खुद ही बेचारा, उसका इलेक्ट्रॉन दे दे के कंगाल हो जाएगा वो, तो वो क्या करेगा, स्ट्रोमा। अब ये क्या है, थैलाकोइड, थैलाकोइड का जो इनर मेम्ब्रेन दिया रहता है, थैलाकोइड का जो इनर मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन रहता है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, वहाँ पे वाटर स्प्लिट होता है, कहाँ पे स्प्लिट होता है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में वाटर स्प्लिट होता है, कहाँ पे, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में, तो वाटर स्प्लिट हो जाएगा, वाटर जब स्प्लिट हो जाएगा तो दो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर मिलेगा, O2 मिल जाएगा, 4H+4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और ये है ब्रह्मास्त्र, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जाएगा,
और वहाँ पे साइकिल कंट्रोल करेगा। तो अभी आपने ये तो पता चल गया कि PS2 को इलेक्ट्रॉन इससे मिल रहा है, अब इसको कहाँ से मिल रहा है? अरे सिंपल है, इस अगर इसको ये दे रहा है तो यह इसको मिलेगा, फिर ये आगे जाएगा, ये इसको मिलेगा, ये आगे जाएगा, तो इसको तो वही साइकिल वाला PS2 से मिलेगा, वही इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा, तो ये पूरा साइकिल हो जाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट आता है PS2 पे, गिरता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर ETS, ETS में PQ, P6, FPC, फिर PS1, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर NAD PS2, बीच में ATP मिल जाता है, यहाँ पे O2 मिल जाता है, O2, ये O2 सीधा बाहर निकल जाता है। ये इसके साइड क्या है, ग्रेना थैलेकोइड, और इसको बोलते हैं अपन जेड स्कीम, विच वॉज गिवन बाय हिल एंड बेंडाल, ये कौन थे, ये दोनों साइंटिस्ट थे। अब इसको जेड स्कीम क्यों बोलते हैं, अब देखो अपन ने इसको अगर रेडॉक्स पोटेंशियल में प्लॉट किया, मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल था इसको प्लॉट किया, तो ये ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो ये क्या बन जाएगा, जेड, तो इसको बोलेंगे जेड स्कीम। एन नहीं बनेगा, एन नहीं बनेगा, क्योंकि रेडॉक्स पोटेंशियल पे प्लॉट करने के बाद जेड दिखता है वो, अभी अपन को पता नहीं पोटेंशियल एक्स वाई ग्राफ्स लेना पड़ेगा उसके लिए, तो ये जेड ही बनेगा ओरिजिनल देखा जाए तो ऐसे, और इसलिए उसको बोलते हैं अपन जेड स्कीम। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एंटिटी मेंशन है वो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो दिख रहा है ना PS2, इसका लेवल जो है इससे कम है और इसका लेवल इससे कम है, मतलब PS1 थोड़ा सा ऊपर ही है ना, थोड़ा ऊपर ही रहेगा ये PS1, ये इसमें बहुत अकड़ है तो थोड़ा ऊपर रहता है, क्योंकि इसका 700 नैनोमीटर है ना, तो वो बोलेगा कि मेरा ज़्यादा नैनोमीटर का वेवलेंथ है, तो मैं ऊपर ही रहेगा, तो वो ऊपर रहेगा और ये थोड़ा नीचे रहेगा, तो जैसे प्लॉट करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, ये नीचे मिलेगा, जेड स्कीम मिलेगा, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे O2 इवॉल्व होगा, ATP NADPH2, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन थोड़ा बता देता हूँ यहीं पे, बाद में इसका भी बनाऊंगा वीडियो। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो उसमें कुछ नहीं, उसमें सिर्फ ATP बनेगा, NADPH2 और O2 इवॉल्व नहीं होगा। हो गया, इतना ही है, थैंक यू।